सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। लॉन्च कर दिया का मतलब ये है कि बीटा और टेस्टिंग मोड में लॉन्च किया है, न कि फाइनल लॉन्च किया है स्टेबल वर्जन में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का बिजनेस एप्लीकेशन में क्या अलग चीज़ है जो अभी तक जनरली यूज कर रहे हैं, और क्या ये फैसिलिटी किसी और एप्लीकेशन में फिलहाल अभी मौजूद है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन की। तो ये एप्लीकेशन अभी फिलहाल टेस्टिंग मोड में, मतलब बीटा मोड में अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर पे जनरली आपको लिंक नहीं मिलेगा, तो इसको लिंक जो है एपीके मिरर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हमेशा डेवलपिंग मोड या बीटा वर्जन का एप्लीकेशन अवेलेबल रहता है। और फिलहाल अभी तक के लिए मेरे समझ में जितना है वो ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है यूज करने के लिए आपको पहले तो सर्वे मोड में जाना पड़ता है कि आप उसको सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद ही आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसमें क्या फैसिलिटी है अलग। अब इसमें अलग यही है कि जैसे कि ब्लॉग पे, व्हाट्सएप के अपना ऑफिशियल ब्लॉग पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार कि आप लोग जो है, जैसे अगर छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े इंटरप्राइजेज लेवल का बिजनेसमैन है, तो इसको कर सकते हैं एज ए बिजनेस एप्लीकेशन टूल्स के रूप में। अब कैसे, इसमें क्या है कि आप अपने कस्टमर को, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने कस्टमर को उसके ऑर्डर का पूरा डिटेल्स सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरी बात कि डिलीवरी क्या डिटेल्स है, ट्रैकिंग ऑप्शन अवेलेबल करा सकते हैं, मतलब कस्टमाइज टूल्स इसमें अवेलेबल करवा सकते हैं। ये फिलहाल के लिए जो इसमें ऑफिशियल न्यूज़ के अनुसार ये बताया गया कि जैसे एयरलाइंस हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, या आपको वैसे बैंक का ट्रांजेक्शन है, जैसे बैंक चाहे तो इसको यूज कर सकता है, अपने जितने भी कस्टमर है उसके मोबाइल नंबर अगर व्हाट्सएप से कनेक्टेड है तो उसको नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि दोस्तों, हमेशा से मैसेज के थ्रू सेंड किया जाता है, और मैसेज में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के रूप में भेजा जाता है, बाकी और कोई भी मीडिया के रूप में आप नहीं सेंड कर सकते। तो व्हाट्सएप एक अच्छा टूल्स हो सकता है, और बिजनेसमैन के लिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर ही रहा है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि व्हाट्सएप को फेसबुक एक्वायर कर चुका है, और ये हमेशा से ऐसा टूल्स बना के लाता है जो मार्केट में धमाल मचा देता है और कंपटीटर को उठने भी नहीं देता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है, और अभी तक गूगल प्लस को उठने नहीं दिया। गूगल इससे पहले लॉन्च किया था ऑरकुट, उसको भी नहीं उठने दिया था, मतलब लास्ट में जो है फाइनली बंद हो गया ऑरकुट, और इसके बाद गूगल प्लस लॉन्च किया, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना फेसबुक है। तो इसमें कुछ यूनिकनेस ला रहा है। इसके अनुसार ये है कि आप जैसे बिजनेस एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपका कंपनी का नाम से होगा, या जो भी जिस नाम से आप रजिस्टर करेंगे उसको वेरीफाइड भी किया जा सकता है। वेरीफाइड का मतलब क्या है? वेरीफाइड का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे ग्रीन टिक लग जाए। ग्रीन टिक का मतलब होता है कि आपको ये बजट है, बजट का मतलब जैसे यूट्यूब पे हो गया या फेसबुक पे हो गया या ट्विटर पे हो गया, जैसे टिक लग जाता है, इसका मतलब ये है कि यही ओरिजिनल आदमी है, या आप जिस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल उसका जो है व्हाट्सएप पेज कह सकते हैं, आने वाले समय पता नहीं पेज निकालेगा या व्हाट्सएप प्रोफाइल कर सकते हैं, तो वो प्रोफाइल जो है वेरीफाइड रहेगा। ऐसे में आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओरिजिनल है या फर्जी है। सपोज डैट कि आप किसी कंपनी का सामान परचेज करना चाहते हैं, पैसे का लेन देन करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में जब तक आपको ये ट्रस्ट ना हो कि ओरिजिनल ये कंपनी है, ये उसी का प्रोफाइल है, तब तक आप कैसे पेमेंट करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आने वाले समय में जो है पेमेंट गेटवे जो है इसमें इनबिल्ट कर दिया जाएगा। वैसे भी शायद कुछ जगह पर इससे पहले न्यूज आया था कि इसको इनबिल्ट करेगा कि आप पैसा पेड कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, तो कंपनी के थ्रू यहाँ पे आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं और ले भी कर सकते हैं, मतलब एक तरह से मर्चेंडाइज जो है व्हाट्सएप में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे उसका अपना एप्लीकेशन रहता है कि पेड कीजिए, सर्विस लीजिए, तो ऐसे ही सारे कंपनियाँ जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो चाहेंगे तो व्हाट्सएप को ही अपना एक टूल्स बना लेंगे, उनको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को भी अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एक अच्छा टूल्स हो सकता है। दूसरी बात, क्या ये फ्री होगा या पेड होगा? तो फ्री और पेड में ये है कि अगर छोटे मोटे आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए कंप्लीट सर्विस फ्री रहेगा, और अगर आप बड़े लेवल का मतलब इंटरप्राइजेज लेवल का सर्विस देना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पे कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब कैसे, इंटरप्राइजेज का मतलब जैसे एयर टिकट्स हो गया, एयरलाइंस का जितना हो गया, या ई कॉमर्स हो गया, इंटरप्राइजेज लेवल का हो जाता है। और जनरली आप एक स्कूल चलाते हैं या एक छोटा बिजनेस या शॉपकीपर हैं तो आपको इतने ज़्यादा तो लोड रहेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में इसी टूल्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा जैसा मानना है कि उसी को वेरीफाई करेगा जो ऑथेंटिक होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा दीजिएगा तो वेरीफाइड होगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं वेरीफाइड होगा।
पहले वो व्हाट्सएप के टीम जो है उसको आपको टेस्टिंग करेगा कि हाँ आप जो है सही आदमी है या नहीं है, इसके बाद ही वेरीफाइड करेगी। तो ये दो चीज़ है जो यूनिकनेस है और इससे लोग जो है ट्रस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या यही फैसिलिटी किसी दूसरे एप्लीकेशन में फ़िलहाल है। तो जी हाँ दोस्तों है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ हद तक है। आप लोग टेलीग्राम का नाम सुने होंगे, और टेलीग्राम में देखिए जैसे आप ग्रुप व्हाट्सएप में बना सकते हैं ऐसे ही टेलीग्राम में भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ऐसे ही टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो थोड़ा सा यूनिक है वो है दोस्तों वहाँ पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अब चैनल एंड ग्रुप में क्या अंतर है? चैनल एंड ग्रुप में यही अंतर है कि अगर आप ग्रुप बनाते हैं उसके जितने भी मेम्बर होंगे वो सारे लोग अपना अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं विदाउट कोई लिमिटेशन। अब एडमिन चाहे तो उसको हटाए या उसको अप्रूव कर दे, मतलब रहने दे। लेकिन चैनल में ऐसा नहीं है। चैनल अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपके चैनल के लिंक से थ्रू या आप किसी को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उस चैनल का मेंबर तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे पोस्टिंग नहीं कर सकता है। मतलब कि आप जो पोस्ट कीजिएगा, जो जिसका चैनल होगा मतलब जो एडमिन होगा वही पोस्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं पोस्ट करता। तो ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों बिजनेस टूल्स जो व्हाट्सएप का, उसमें भी मेरा मतलब अनुमान है कि ऐसा ही होगा कि जिस कंपनी का होगा वो प्रोफाइल वही पोस्ट करेगा और आप सिर्फ देख सकते हैं, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये है, देखिए आने वाले समय में कैसा होता है। फिलहाल ये टेस्टिंग मोड में, बीटा मोड में है, तो इसको जो है सभी लोग को अवेलेबल नहीं है। हाँ उन्हीं लोग को ये फैसिलिटी अवेलेबल है जो सर्वे करके, सर्वे में अपना पूरा डिटेल्स फिल करते हैं, इसके बाद जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना मोबाइल में डालते हैं तो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और विदाउट सर्वे आप वहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद नीचे लाइक बटन लाइक जरूर कर दिया। कोई सवाल नहीं सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आगे जो व्हाट्सएप में क्या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। एनीवे अगर ये दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाएगा। और साथ साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।